इस पर बात करेंगे। सेठी साहब, आप सिर्फ 10 सीटें जीतेंगे, तहसीम पूनावाला ने भविष्यवाणी कर दी है, और जी सर, बीजान दारूवाला से भी बड़े भविष्यवक्ता है मेरे तहसीम भाई। सर देखिए, ऐसा है, इस बात का फैसला तो जनता करेगी, पंजाब की जनता करेगी। इनको अपनी चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, जो सिद्धू साहब हैं उनके साथ तो बड़ी बुरी हुई। उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा था, खुद को सीएम बनने के लिए रचा था, और वो बन भी जाते, लेकिन जब कैप्टन साहब ने उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन नेशनल सिक्योरिटी के लगा दिए, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे लोग लाइन में थे सीएम बनने के लिए। मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जी ने सबसे पहले अनाउंस करा था कि हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम जो है एक दलित नेता होगा। उसके बाद सभी पार्टियों के अंदर होड़ लग गई कि दलितों को हम रिप्रेजेंटेशन, हर जाति को, हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए हर पार्टी को। वो दलित वर्ग के चरणजीत सिंह चन्नी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अब सिद्धू साहब को ये बात समझ में आई कि अभी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है आने वाले चुनाव में कुछ होना नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगा भी तो पार्टी को रिप्रेजेंट जो है वो चन्नी साहब करेंगे, क्योंकि पार्टी, कांग्रेस पार्टी चाहकर भी चरणजीत सिंह चन्नी को अलग नहीं कर सकती। अगर वो दलित नेता को छेड़ेंगे तो इसका खमियाजा उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर भुगतना पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इनको अपने हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी उनके हिसाब से चले नहीं, जैसे अलग अलग पोजिशन के ऊपर उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। तो अब उनके आगे ये नज़र आया कि भी 3 दिन पहले वो अध्यक्ष बने थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये सारी चीज़ों के बाद मेरे को ये लगता है जो सिद्धू साहब हैं, ही इज़ मिसफिट इन पॉलिटिक्स। सिद्धू साहब जो है पॉलिटिक्स में चलने वाले नहीं है, क्योंकि पहले तो आम आदमी पार्टी उनके पीछे थी, किसी आईएएस सीएम बनिए, अब आम आदमी पार्टी को यह है कि भी मैं तो बच गया, ये तो हमारे यहाँ भी खलेरा कर देंगे। और मैं ये एक बार और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बच गई है कि उन्होंने उनको सिर्फ अध्यक्ष बनाया। अगर उनको सीएम बना देते फिर तो वो उनका पूरा ही बंटाधार कर देते और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। तहसीम, तहसीम मतलब बंटाधार होने से बच गया, चलिए अच्छा है, पीसीसी चीफ से इस्तीफा मंजूर कर लीजिए, ये सेठी जी की सलाह है, मेरी नहीं। तहसीम क्विक जवाब, फिर मैं गोपाल जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे इसे जी। तहसीम, ये सवाल आपसे, इससे तो अकाली दल के जो हमारे मित्र है उनकी बात से तो ये साफ पता चलता है कि जो मैंने पहले जी मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। अकाली दल के जो हमारे मित्र है, जो प्रवक्ता है आपके शो पर, उनकी बातों से मैंने जो इसके पहले बात की, वो अपने मेरी बातों को सच साबित कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस की दोबारा सरकार आएगी चन्नी जी को हटाया नहीं जाएगा, यानी अकाली दल को भी विश्वास है कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जो भविष्यवाणी उन्होंने उसकी सराहना की, लेकिन मेरी और एक भविष्यवाणी को सुन लीजिए। अकाली सर, मैं आपकी बात का जवाब, अच्छा आप नहीं कह रहे, 5 सेकंड के लिए, अच्छा ये नहीं कहा, नहीं आएगी, लेकिन आ गई तो सुनिए सर, सुनिए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने कहा लेकिन आ गई, अगर कांग्रेस का, सुनिए आपने कहा लेकिन आ गई तो सर मेरी बात सुन लीजिए, नहीं नहीं मैंने कहा अगर आ गई तो, आप सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपने कहा लेकिन अगर कांग्रेस आ गई सर, मैं सर सुनिए, मैं अपनी बात को बड़े ध्यान से, अच्छा अपनी बात सुनिए, आपकी बात सुन, ठीक है अगर फेस होगा, आप मेरी बात, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कांग्रेस का फेस, ठीक है सर मेरी बात सुन लीजिए, फेस, एक मिनट में अपनी बात, बार बार आई एम करेक्टिंग, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज आपकी बात को मान लेता हूँ। कांग्रेस का फेस चन्नी साहब हो गए पंजाब में, सुनिए ना सर जी, कांग्रेस का फेस चन्नी साहब हो गए, जाकर साहब हो गए, कांग्रेस का फेस यूनाइटेड पार्टी होगा, लेकिन सिद्धू साहब होंगे कि नहीं, फेस कौन होगा, अरे तहसीम सिद्धू साहब होंगे कि नहीं, ट्रांसपोर्ट जब यूनाइटेड होगा तो सिद्धू साहब होंगे कि नहीं, ये बताइए ना, इसके अलावा आपके पास बच क्यों रहे सवाल से, बताइए ना सिद्धू साहब फेस होंगे कि नहीं होंगे, कांग्रेस